एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ की कृपा से। हम अच्छे हैं, लेकिन अभी जो नींद में है, फिर भी हमको करना पड़ेगा। लेडीज़ को तो करना पड़ेगा, सो नहीं पाएंगे। मैं अगर थोड़ी देर रेस्ट करी, मतलब 4 बजे हम उतरे, 1 घंटा रेस्ट करी, उसके बाद हस्बैंड के लिए रोटी बनाई, काम सब कुछ करी, अभी सब्जी कटिंग करूँगी, पखाल भात खाऊँगी, और भी काम है, कपड़े भी भिगोई हूँ, उसको भी साफ करूँगी, और क्या क्या करूँगी। आप लोग बने रहिए वीडियो को, साथ ऐसे साथ देते रहेगा, साथ मत छोड़िएगा। चलिए बने रहिए वीडियो पर। देखिए, गांव की 20 रुपये का ये है मशरूम, कितने अच्छे हैं। देखिए, वाओ, मस्त लग रहा है। तो आज ये सब्जी कटिंग कर रही थी, और ये मिल गया था मशरूम। मशरूम को भी उसको साफ कर रही थी, पहले पानी में भिगो दी थी हल्दी और नमक के साथ। थोड़ा बालू होता है ना, ये तो हमारा गांव में जो मिलता है वो सब हमारा मशरूम है, छतु, उड़िया में छतु कहते हैं। तो ये छतु को बाद में ये साफ कर रही थी, इधर साफ कर रही थी। आज मैं बोल रही थी इनकी, मैं पखाल भात खाऊंगी, हम खाएंगे, खाऊंगी नहीं, हम खाएंगे, इसीलिए पखाल भात के लिए सब्जी कटिंग हो रहा था। भिन जो कुंदर आलू की भाजी और मूली साग, और जो हमारा मशरूम छत्तू, मैं बेटी तो नहीं खाती है, मैं खाती हूँ, तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्याज डालकर भाजी थी, बहुत कम भाजी थी, बहुत सारा हुआ था, कम भाजी थी, तो उसको और आधा को मैं ऐसे तेल में भाजी फ्राई करके ही रख दी हूँ, दाल करूँगी आज नहीं। आज ना हम किसी की जो श्राद्ध की, श्राद्ध नहीं और जो क्या, हाँ, श्राद्ध पूजा की आज हम भोजी खाने गए थे, फिस्ट खाने गए थे, तो बेटी अकेले खाएगी तो उसके लिए ही मैं करी थी वो दाल भाजी, और अंडी की भुर्जी के साथ ही खाई। मैं तो उधर चली गई थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, सिर्फ चावल बनाई थी। वो मना करी कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप ही जाओ, तो मैं फ्रेंड लोग के साथ में गई थी, और बेटी के लिए अलग हुआ था। जो हमारा मशरूम को तो फ्राई करके रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको फ्राई करके रखती हूँ, काल देखती हूँ करूँगी। और आज ज़्यादा कुछ करने का भी मन नहीं था, और ऊपर से मुझे तो टायर्ड लग रहा था, नींद लग रहा है, क्योंकि रात में जो बेड में हम सोने वाले हैं, रात में बेड को कितना गर्व है। तो कंफर्टेबल से हम नहीं सोएंगे तो कैसे नींद आएगा, इसीलिए अभी थोड़ी देर में वीडियो को क्या करूँगी ना, एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग के बाद वीडियो को अपलोड कर दूँगी और सो जाऊँगी। खाना बना तो हो गया है, और आज लेट भी हो गया था, एक प्रॉब्लम भी था, तो वो भी चलो सॉल्व हो गया है। और ये देखिए, कटिंग भी तो हो रहा था, मैं बोल रही थी कि नहीं और कटिंग करोगी, बेटी के साथ भी बात हो रहा था, क्या बात हो रहा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे भी तो मुझे अभी टायर्ड भी लग रहा है ना, इसीलिए। आज ना
पाँच बजे इतना बारिश हुआ, लगभग आधा घंटा बारिश हुआ, लेकिन बहुत तेज़ बारिश भी हुआ है। दोपहर को बहुत गर्मी भी हो रहा था और ये इवनिंग में उतना ही बारिश भी हुआ है। चलो अभी अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत गर्मी लग रहा था। और ये कपड़े, जो कपड़े मैं भिगो के रखी थी, जो हम पहन कर गए थे वो कपड़े ना, उसको साफ कर रही हूँ। और ये सब साफ कर रही हूँ साफ करके उसको मैं रख, क्या करना, बाहर सुखा दी, कितना तेज़ धूप है दिखिए। और साफ सुथरा होकर जितना रखोगे उतना ही अच्छा है, और जल्दी साफ करके रख देंगे तो अच्छा लगता है। कहीं हम बाहर जाते हैं तो और भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब, मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। तो ये सारी साफ सुथरा हो गया, हम दोनों का कपड़ा और हस्बैंड के कपड़े भी पड़ा हुआ है, देखेंगे उसको भी साफ करूँगी। एक ही दिन में नहीं हो पाएगा, वैसे ही तो आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ा था, सब्जी वगैरह खाना बनाना नहीं पड़ रहा था, तो ये जो हम पहन कर गए थे उसको ही आज साफ कर दी, उसको सर्फ डालकर हल्का फुल्का साफ कर दो तो साफ हो जाएगा। हस्बैंड जी के पैंट को पैंट होता तो उसको घिसना पड़ेगा ना, घिस घिस के थक जाए, इसीलिए वो नहीं करी साफ, पहले तो कर दी थी। और अभी है दो, एक प्यार है पैंट और शर्ट, उसको करूँगी, लेकिन टाइम लेकर ही करूँगी। तो आप लोग एंजॉय करो वीडियो को, मुझे और मैं सॉरी अभी मैं पैसा बोल नहीं दूंगी, गाना ही लगा लेती हूँ, तो आप लोग एंजॉय करो। Thank you.
नोएल सन।